सो हे गाइस, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले कि किस तरह आप अपने पीसी में से जो बिना काम के सॉफ्टवेयर हैं या फिर प्रोग्राम से उन्हें तुम किस तरह से रिमूव या फिर डिलीट कर सकते हो अपने पीसी से या अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इसमें तुम्हें दो मेथड बताने वाला हूँ, दोनों मेथड के थ्रू तुम अपने पीसी से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो एंड जो पीसी के साथ इनबिल्ड आते हैं उन्हें भी तुम अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तुम्हें सिंपली जो सर्च बार है यहाँ पर तुम्हें टाइप करना है सबसे पहले एप्स एंड एड और रिमूव प्रोग्राम्स, एड एंड रिमूव प्रोग्राम्स भी सर्च कर सकते हो। फिर तुम्हें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है विंडोज बटन पर एंड फिर तुम्हें यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन, इस तरीके की सेटिंग्स शो होगी। तो तुम्हें यहाँ पर सिंपली से एप्स के वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तुम जैसे ही एप्स वाले सेक्शन में क्लिक करोगे तुम वहीं पर पहुंच जाओगे जहाँ से तुम इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मुझे 3D व्यूअर नहीं चाहिए, मुझे अनइंस्टॉल करना है, तुम्हें सिंपली इस पर क्लिक करना है, अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है, यहाँ से ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि ये अलार्म्स एंड क्लॉक है, ये अनइंस्टॉलेबल नहीं है, ये इनबिल्ट है तो ये रहेगा ही सही, ये भी रहेगा। और तुम इस तरीके से और कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो तुम्हें अनइंस्टॉल करना है तुम यहाँ से उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि स्टिकी नोट्स ये मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से अनइंस्टॉल पर क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह से तुम कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो एक्सबॉक्स है मुझे ये भी नहीं चाहिए तो ये भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से तुम्हें सिंपली उस पर क्लिक करना है, तुम यहाँ से उसे अनइंस्टॉल कर पाओगे। अब एक मेथड और है जिसका थ्रू तुम अनइंस्टॉल कर सकते हो, वो है तुम्हें यहाँ पर सिंपली से विंडोज बटन प्रेस करना है, फिर यहाँ पर तुम्हें विंडोज वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर से तुम्हें सर्च करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद तुम्हें उसे ओपन कर लेना है एंड यहाँ से तुम्हें आइकन में स्मॉल आइकन सिलेक्ट कर लेना है। स्मॉल आइकन सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें यहाँ पर से प्रोग्राम्स एंड फीचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तुम जैसे ही प्रोग्राम्स एंड फीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा एंड अपने जो भी इंस्टॉल कर रखे हैं सॉफ्टवेयर उनकी लिस्ट शुरू होगी। अब जैसे ही तुम्हें यहाँ पर से जैसे मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज सिलेक्ट अनइंस्टॉल करना है या फिर मुझे एनवीडिया ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना है, फिर ओबीएस इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है, तो तुम्हें सिंपली ओबीएस को सिलेक्ट करना है, अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है एंड यस का ऑप्शन आएगा, तुम्हें सिंपली यस पर क्लिक करना है। जैसे तुम यस पर क्लिक करोगे ओबीएस अनइंस्टॉल हो जाएगा परमानेंटली। ये दो मेथड है जिसके थ्रू तुम अनइंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी से सॉफ्टवेयर को। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।